योगी सरकार की नई पहल, अब घर घर से निकालेंगे कोरोना मरीज। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए डॉक्टरों की टीम को घर घर जाकर जानकारी हासिल करने को कहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घर घर मेडिकल स्क्रीनिंग में संदिग्ध लक्षणों वाले लोगों का सैंपल लेकर टेस्ट कराने तथा जांच के पश्चात अस्वस्थ पाए गए लोगों के समुचित उपचार की व्यवस्था करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने टेस्टिंग क्षमता में निरंतर वृद्धि किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आरटीपीसीआर विधि से 30,000 टेस्ट प्रतिदिन, रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से 15,000 से 20,000 टेस्ट प्रतिदिन तथा ट्यूनेट मशीन के द्वारा 2,000 टेस्ट प्रतिदिन किए जाएं। उन्होंने कोविड-19 चिकित्सालयों में बेड की संख्या में बढ़ोतरी करने के भी निर्देश दिए हैं। बिना लक्षण वाले कोविड-19 मरीजों को L1 कोविड चिकित्सालय में उपचारित किया जा सकता है। कानपुर मामले के बाद पुलिस अपराधियों के खिलाफ एक्शन में है। वाराणसी में कैंट थाने के हिस्ट्री शीटर श्री प्रकाश मिश्र उर्फ झुन्ना पंडित की अपराध से अर्जित 60 लाख की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया। झुन्ना पंडित पर पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित किया था। वर्तमान में वह चित्रकूट जेल में बंद है। उस पर हत्या के 10 और लूटपाट अपहरण रंगदारी के करीब 40 मामले दर्ज है। वह मऊ सदर से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी गिरोह से जुड़ा हुआ है। पंजाब के रोपड़ में ये असलहों के साथ पकड़ा गया था, वहाँ से फिर जेल में निर्दोष हुआ था। इसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई और आगे हमारी टीम ने प्रोसीड करते हुए गैंगस्टर एक्ट में 14(1) के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए इसकी जो संपत्तियाँ जिसको अपराध से इसने अर्जित किया है उसको कुर्की का प्रोसेस प्रारंभ किया। कश्मीर के नौगांव में सेना की वर्दी पहने घुसपैठ करते 2 आतंकी मार गिराए गए। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में LOC पर नौगांव सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश करते 2 पाकिस्तानियों को सेना ने मार गिराया है। दोनों सेना की वर्दी में थे। इनसे 2 AK-47 राइफल, इनकी गोलियों से भरी 2 मैगजीन, 1 पिस्टल, 4 ग्रेनेड और रेडियो सेट बरामद हुआ। दोनों लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए थे। भारतीय सेना के एक वरिष्ठ कमांडर ने शनिवार को बताया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लॉन्च पैड पर करीब 300 आतंकवादी मौजूद हैं, जो नियंत्रण रेखा को पार कर उत्तर कश्मीर के विभिन्न इलाकों में घुसपैठ करने की फिराक में हैं।